हल्द्वानी में गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के जनता दरबार में शहर के कई हिस्सों से पेयजल किल्लत और पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतों का अंबार लगा है। हालांकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, मई के महीने में हल्द्वानी में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। लिहाजा इस बार जिलाधिकारी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे जिन स्थानों पर पेयजल किल्लत होगी वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवाया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जनरली यहाँ पे समस्याएं वही आती हैं जिसमें बिजली पानी की समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। तो आजकल खासकर जो आज की जो जनता दरबार में यही आया कि काफ़ी जगहों पे पानी लगातार नहीं चल रहा उनका, तो अभी मौके पे हम लोगों ने सीधे टीम भी भेजी है, जूनियर इंजीनियर्स वगैरह भेजे हैं। और जिन लोगों को शिकायत थी कि कुछ स्थानों पे पानी जो है रुक रुक के आ रहा है, तो कैसे इसका स्थायी समाधान हो, तो उसको भी हम लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं।